गाइज आपको अपने बचपन के गेम्स याद है, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, स्नो ब्रदर्स और भी बहुत सारे गेम्स जो कि अपने 19 सीरीज के गेम्स थे। भाई मैंने तो बहुत ज्यादा खेले थे, आपने खेले थे या नहीं खेले थे गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड आपको लग रहा होगा गाइज मैं यार अचानक ये पुराने गेम्स की बात क्यों करने लग गया, भाई आज के टाइम पे ट्रिपल ए टाइटल्स गेम्स आते हैं। तो यार मैंने अमेजोन पे आप सभी के लिए अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो बनाने के लिए एक प्रोडक्ट सर्च मारा था, तभी गाइज मेरी नजर गई छोटे से गेम बॉक्स ऊपर जो कि है सूप का गेम बॉक्स 400 in 1। इसके अंदर गाइज आपको टोटल 400 गेम्स मिल जाएंगे जो कि अपने पुराने वाले गेम्स से लाइक या सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, स्नो ब्रदर्स एंड अपने जो पिन बॉल्स होते थे या और भी बहुत सारे गेम्स आते बम बॉय, ये सारे गेम्स गाइज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। टोटल 400 गेम्स है। तो मेरे को ना ये जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको परचेज किया जाए, इसकी टेस्टिंग की जाए, आप सभी के लिए अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो बनाया जाए। तो गाइज लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। बॉक्स के अंदर से गाइस सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है समझ गया। नेक्स्ट गाइस इसके अंदर आपको 2 यूएसबी टू माइक्रो एक केबल देखने को मिल जाएगा, और दो देने का क्या रीजन है मेरे को नहीं समझ आया, एक से तो हम चार्ज कर सकते हैं दूसरे से क्या करेंगे पता नहीं, बट भाई केबल की क्वालिटी और लेंथ आप देख सकते हो शुरू होते ही खत्म ही है भाई ये चीज। नेक्स्ट गाइस इसके अंदर से आपको एक ऑडियो वीडियो आउटपुट केबल मिल जाएगा, और मेन पॉइंट तो बताना आपको भूल ही गया गाइस, छोटा सा कंसोल है बट इसको आप अपने टीवी से भी कनेक्ट करके खेल सकते हो। एंड लास्ट में गाइस हमको हमारा मेन गेम बॉक्स देखने को मिल जाता है। लुक की बात करें तो गाइस आपको याद है जो बचपन में 60 या 100 रुपए के गेम्स मिलते थे जिसमें यार ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो मतलब डब्बे डब्बे से होते थे, काफी सारे गेम्स होते थे उसके अंदर, मैंने तो काफी ज्यादा यूज किया है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा बट उसको भी गाइस मैंने काफी ज्यादा खेला था, 60 या 100 रुपए का मिल जाता था। तो कुछ उसी टाइप का इसका लुक देखने को मिल जाता है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गाइस पूरा ही प्लास्टिक बॉडी का यूज किया गया, बट प्लास्टिक लो क्वालिटी का नहीं, काफी अच्छा खासा प्लास्टिक है, नहीं टूटेगा भाई, टूटने वाला नहीं है ब्रदर्स, टूटने वाला नहीं है ये, बस थोड़ा गंदा हो गया यार। फ्रंट में गाइस आपको 3 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा, एक वेडी पैड मिल जाएगा, रीसेट बटन मिल जाएगा एंड ए बी एक्स वाई ट्रिगर बटन मिल जाएगा, सेलेक्ट एंड स्टार्ट बटन भी मिल जाएगा, और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड गाइस आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए माइक्रो ए पोर्ट मिल जाएगा एंड आपको एक ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए टीवी पोर्ट मिल जाएगा, जो आपका ये वाला केबल है ना ऑडियो वीडियो आउटपुट केबल, तो इसका ये जो पोर्शन है इसके अंदर लग जाएगा एंड ये जो दो पोर्शन है वीडियो एंड ऑडियो केबल आपके टीवी के पीछे लग जाएंगे। बट यार जो लेंथ है ना केबल की बहुत ज्यादा छोटी है, इसको मैंने टेस्ट किया है, इसको मैं 2 दिन से टेस्ट कर रहा और लेंथ बहुत ज्यादा छोटी दे रखी है, सीरियसली बताओ मेरे को ये इसका नेगेटिव पॉइंट लगा कि लेंथ इसका काफी ज्यादा छोटा दे रखा है, मतलब टीवी के अंदर घुस के थोड़ी ना बैठ के खेलेंगे, बात तो सही है। एंड लेफ्ट साइड में गाइस आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन स्क्रोलिंग व्हील देखने को मिल जाता है, तो ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं गाइस, प्लास्टिक बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी खासा है, 3 इंचेस का आपको कलर स्क्रीन मिल जाएगा एंड सारे यूजफुल बटन्स देखने को मिल जाते हैं, बाकी इस कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो गाइस कैमरा एंगल चेंज करते हैं एंड इसके ऑन करके देखते हैं, इसके गेम्स खेल के देखते हैं, लाइक सुपर मारियो खेलूंगा, कॉन्ट्रा खेलूंगा, स्नो ब्रदर्स खेलूंगा, अपना बम बॉय खेलूंगा, ये गेम्स गाइस मैंने बचपन में बहुत ज्यादा खेले थे, तो इसके अंदर भी खेल के टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये अपना कंसोल, इसको सिंपली से ऑन कर लेते हैं एंड ऑन करते गाइस आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज मिल जाएगा, चाइनीज एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके स्टार्ट। और यहाँ पे गाइस आपको ऊपर ही सुपर मारियो देखने को मिल जाएगा एंड टोटल इसके अंदर आपको 400 गेम्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यार फाइनली आपको 400 गेम्स मिल जाएंगे। एंड रिपीटेड गेम्स में गाइस आपको बहुत कम गेम्स हैं जो रिपीटेड होंगे, लाइक यार ये पिन बॉल है इसको मैं 2 बार देख चुका हूँ, तो मैंने 7-8 गेम्स देखे होंगे जो रिपीटेड होंगे, तो ऐसा कह सकते हो गाइस इसके अंदर आपको टोटल 350 गेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक गेम स्टार्ट करके देखते हैं जो कि अपना सुपर मारियो होने वाला है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस ये गेम मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खेला करता था, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और भाई ये देख सकते हो मतलब वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ना पिक्सल ज़्यादा फटे फुटे से हो, और इसको मैं 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी लैगी लुगी ऐसा नहीं लगा। तो यहाँ पे गोभी आएगी, गोभी खा लेते हैं, और अबे भाई भाई मेरी गोभी चली गई, चलो यार यहाँ पे नुकसान हो गया। तो नेक्स्ट गेम गाइस मैंने यहाँ पे स्नो ब्रोज लगा दिया एंड बचपन में गाइस ये गेम मैं बहुत ज़्यादा खेला करता था, आपको याद है जो 500 के कंसोल आते थे, 500-600 के बचपन में टीवी में लगा कनेक्ट हो जाता था और खेलते रहते थे, तो भाई ये गेम मैं बहुत ज़्यादा खेलता था अपने फ्रेंड के साथ, मेरा एक फ्रेंड था मैं और वो ये गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे। और भाई अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और सही में यार ऐसे पुरानी पुरानी गेम्स देख करके ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, अब ये गेम्स तो मिलते भी नहीं है जल्दी। तो गाइस ये जो कंसोल है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वैसे तो इसके अंदर 400 गेम्स लिखा हुआ है बट यार टोटल 400 नहीं मिलता, 300 या 350 के आसपास आपको गेम्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ ही गेम्स है जो रिपीटेड है, बाकी सारे आपको डिफरेंट गेम्स देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ कह सकते हो आपको 350 गेम्स देखने को मिल जाएंगे, और भाई जो सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, स्नो ब्रदर्स एंड जो अपना बम बॉय है, पिन बॉल्स, ये गेम्स मैं बहुत ज़्यादा खेलता था बचपन में, तो मेरे फेवरेट गेम्स होते थे, तो इसके अंदर खेल के गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। एंड वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। एंड गाइस अगर इसकी ऑडियो की बात करूँ ना, तो ऑडियो क्वालिटी ना ज़्यादा मैं हाई कहूँगा ना ज़्यादा
का लो कहूँगा, ठीक ठीक सा कंसिडरिंग है। एंड अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो गाइज मैंने इसको प्रॉपर तो टेस्ट नहीं किया, मतलब इतना ज़्यादा देर तक तो नहीं खेला है, बट गाइज इसके अंदर आपको 1.5 या 2 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो गाइज एंड करते इस वाली वीडियो को, आई होप गाइज आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा तो गाइज लाइक जरूर कर देना, अगर आपकी पुरानी वाली यादें ताज़ा हो गई होंगी गाइज लाइक जरूर करके जाना, नहीं किया तो पाप लगेगा आपको, तो सही बोल रहा हूँ श्राप लगेगा मेरा कि भाई तुम्हारी यादें ताज़ा कर दिया लेकिन आपने लाइक नहीं किया। एंड कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर से बताना कि आपको ये वाला कंसोल कैसा लगा और नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको किस चीज़ का चाहिए, अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू वीडियो किस चीज़ का चाहिए, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर से बताना। तो मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।